लखनऊ बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड के अंतर्गत माननीय शेरे हिंद राजनाथ सिंह जी के 5 लाख वोटों से ज्यादा जिताने के लिए घर घर जाकर सघन जनसंपर्क किया गया, जिसमें प्रमुख नानक चंद जी, उपसभापति पार्षद गिरीश गुप्ता जी, रानीगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज रस्तोगी, जितेंद्र राजपूत, शालू टंडन, धीरज गुप्ता, प्रदीप साहू, सचिन निगम, विशाल शर्मा, मोंटी सोनकर आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव जोरों पर चल रहे हैं, शंखनाद का घंटा बज चुका है, माहौल गर्म है और किस्सा कुस्सी का है और लड़ाई इंडिया के बंधन हो चाहे अदर पार्टियां हो, पर भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही नारा है। हमारे साथ गिरीश गुप्ता जी हैं जो उपसभापति हैं। आज इन्होंने लोकसभा चुनाव में लोगों के पास पहुंच कर राजनाथ सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए संकल्प यात्रा निकाली। आइए जानते हैं कितने के पार इस बार जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का नारा लेके। हमारे साथ गिरीश गुप्ता जी हैं, बताइए। ये लखनऊ के अंदर 5 लाख से ऊपर हम जीतेंगे और पूरा भरपूर जन समर्थन मिल रहा है माननीय राजनाथ सिंह जी को, और हम सब कार्यकर्ता डोर टू डोर जा कर के कमल के निशान को वोट मांग रहे हैं और व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, और इस जन समर्थन के आगे कोई समर्थन नजर नहीं आता है। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है युवाओं के लिए एक नया भविष्य लेकर आ रहा है, क्या है वो नया भविष्य आ रहा है? देखिए, चुनावी गठबंधन है, इस गठबंधन में जनता जान चुकी है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये निराधार गठबंधन है और अवसरवादी गठबंधन है। भाई साहब, इस बार विपक्षी पार्टी बराबर हमला कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया और एक बड़ी भाषा बोल दी, जात बिरादरी को लेकर एक्शन कर लिया, काले गोरों पे जो है उठा लिया है, क्या कहना है इस बार आपको कांग्रेस के बड़े नेता के लिए? कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी मानसिकता एकदम फेल है, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, वो सिर्फ देश को बांटने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं रहा है, और वो इनके बयान से इससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता सब समझदार है और सब जानते हैं, तो इसलिए उनके ये सब कहने से कुछ नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव चल रहा है, मैदान में राजनाथ सिंह जी भी हैं और रविदास मल्होत्रा भी हैं, कितनी अहम लड़ाई मानते हैं? कुछ नहीं, रविदास तो कहीं दिखेंगे नहीं दूर दूर तक। माननीय राजनाथ सिंह 5 लाख पार होंगे और जन समर्थन मिल रहा है, व्यापार मंडल द्वारा सब मिल रहा है, सभी विभाग मतलब सभी विभागों का साथ मिल रहा है, तो इसलिए रविदास मल्होत्रा कहीं भी नहीं। कांग्रेस ने 1947 में बांटने का काम किया देश में, किसने किया यही जानना चाहते। कांग्रेस ने 60 साल राज किया है और भारत की दशा क्या रही? आज भारत का गौरव स्वाभिमान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्राप्ति है।